और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक और पीएम पद पर अलग अलग दावेदारों की चर्चा के बीच बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो एमपी चुने जाएंगे वो पीएम चुनेंगे, जो पीएम होगा वो मोदी जी से ईमानदार होगा। तो बड़ी बात, बड़ा बयान दिया है, जो पीएम फेस होगा मोदी से ईमानदार होगा। कटाक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे तौर पर, मौजूदा सरकार पर उन्होंने किया। सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव का यह बयान आपको बता रहे हैं। पीएम फेस पर यह बयान तेजस्वी यादव का। देश के संविधान पर जो खतरा है, जो लोकतंत्र पर खतरा है, उन शक्तियों से लड़ने के लिए हम लोग जो है एक हुए हैं। किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं, जो एमपी होंगे जो बनेंगे वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा, तो वो तो बात की बात है। लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।